तो 2047 के विकसित भारत की नींव रखने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी वाला चुनाव, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव, आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और संकल्पों को साकार करने वाला चुनाव, और शायद जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये चुनाव एक सांसद या सरकार चुनने के लिए नहीं है, ये आने वाले भारत के 1000 साल की नींव रखने वाला चुनाव है। तो इस सबसे बड़े चुनाव पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क 80, मैं आपके साथ अमन चोपड़ा, और इस देश के सबसे बड़े चुनाव पर बात करने के लिए इस खास शो में हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस नमस्कार इंटरव्यू भैया, आपके दर्शकों को मिलने का अवसर मिला मुझे आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा, अमन शर्मा और पायल मेहता मेरे साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। सवाल बहुत है, लेकिन पहला सवाल दरअसल ये है कि 2014 में 300 की बात की गई थी, 300 पार या 300 की, 300 आई। 19 में 350 की बात की गई, 350। अब 400 पार की बात की गई है, दावा है 400। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। मतलब ये सवाल मैं गंभीरता से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम लोग जब फील्ड में हैं, चर्चा ये है कि मोदी 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है, हार जीत की शायद संभवता बात कम हो रही है। अब सवाल एक ही है कि 400 पार हो रहे हैं मोदी या नहीं हो रहे, आपका एनालिसिस सर? एक तो आपके सवाल को मैं गंभीर ही मानता हूँ, मैं कोई लाइट नहीं मानता हूँ, और इसलिए मेरा जवाब भी बड़ा गंभीर ही रहेगा। आपने जो भूमिका बनाई, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हजार साल के भविष्य को तय कर देती हैं, और दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। मेरे देश में मैं देख सकता हूं कि ये समय ऐसा है कि इस समय होने वाली सभी सकारात्मक चीजें और सभी सकारात्मक शक्तियों को एक आने से 1000 साल के भविष्य की दिशा तय हो जाएगी, और वो भी सकारात्मक होगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, और इस अर्थ में ये चुनाव कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर देश का निर्णय आजादी के बाद पैदा हुए लोग वही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है अथवा 21वीं सदी में जिसने जन्म लिया है जी, वो अब निर्णायक एज ग्रुप पे पहुंच गया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने बुराइयां देखी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक तड़प है कि दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं वो ये है कि सामान्य मानवी, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है, हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन, ये किसी भी देश की गति का बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा हूं। और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले, और मेरा देश ऐसा होगा तो मुझे, मैं इसे निकालूंगा, इस बात पर केंद्रित हुआ है। दूसरा, ही देश के महिला वर्ग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा है, इतना ही नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है,
हम कुछ कर सकते हैं, उनके भीतर भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उसे बाहर जाके करना, ये जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का ये जज्बा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हजार साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कौन नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूं जी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। आप छोटे छोटे बच्चों के मैं इंटरव्यू टीवी पे सोशल मीडिया पे देखता हूं, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब कि सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है, समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं। मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं 400 पार का, और कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, एनडीए 400 के पार जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं अगर स्पेसिफिक्स में आपको लेके जाऊं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें बीजेपी एक तरह से सैचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई, तकरीबन पूरा स्वीप हुआ। तो ये जो गेंस हैं, जो 303 से 370 की जो जर्नी आप कह रहे हैं कि होगी, ये गेंस आप किन स्टेट से देख रहे हैं? क्या ये दक्षिण भारत से आएगा, क्या ये बंगाल से आएगा, उड़ीसा से आएगा, आंध्रा तेलंगाना से आएगा? आपका थोड़ा अगर माइक्रो असेसमेंट हमें मिल पाए कि कैसे बढ़ेगा। देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ, तो गुजरात में हम कई वर्ष समय से लगभग टू थर्ड मेजोरिटी चल जाते थे, तो सोचने वालों का भी एक स्टेगनेंसी जैसा हो गया था, उससे अधिक सोच ही नहीं पाते थे। अब मेरे से जब बात करते थे, क्या मोदी जी अब टू थर्ड मेजोरिटी, 3-3 दशक हो गए, मैंने कहा क्या बात करते हो जी, मुझे बहुत कहा, और जब 156 हम जीत के आए उनके लिए अच्छा था। अब ये 156 कहाँ से निकलेगी, तो कागज लेके बैठोगे तो नहीं दिखा बैठेगा। अगर आपको लगता है कि इतना सारा सैचुरेशन होगा, क्या होगा, मैं देखूंगा कि राजस्थान में मेरे अगर 25,000 बूथ है, पिछली बार मैं अगर 5,000 बूथ में पीछे था, तो इस बार मैं 5,000 में हूँ या 3,000 में हूँ या 2,000 में, मेरा हिसाब किताब अलग है जी। तो इसलिए मेरे लिए कोई चीज़ अंतिम नहीं है, मैं लगातार उसमें भी नया, फिर मैं ये देखता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बूथ में विजय मिला, तो मैं पूछता हूँ अच्छा वोटिंग क्यों ज़्यादा नहीं हुआ, वोटिंग ज़्यादा हुआ तो वोट क्यों ज़्यादा नहीं मिला। मैं इतनी बारीकी से प्लान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि चुनाव है ये एक बड़ा विज्ञान है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है जी, और कैंपेन है वो केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री कैसी बनती है उस पर है। और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर में आपको लगता है कि इस राज्य में तो कुछ नहीं, तो लेकिन उसके सिवाय भी मुझे वहां बहुत कुछ लाना है। तो एक बात, जहां तक राज्यों का सवाल है, इस देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां अभी भी हमारे पास स्कोप है। अब जैसे अंडमान निकोबार, पिछली बार हम नहीं थे, इस बार हम आएंगे, यानी ऐसी एक एक गिनते जाओगे तो आपको अच्छा हाँ यार मोदी ने बराबर हिसाब कर लगा के रखा है। मेरा पक्का मत है कि हम बहुत सी जगह पे हम काफी कुछ करेंगे इस बार, क्योंकि दक्षिण भारत आपका एक बड़ा फोकस भी रहा है सिलेक्शन। ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान है, मैं टुकड़ों में नहीं सोचता, और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूं। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा
फोकस देश बने इसके लिए है, और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, लक्षद्वीप में भी G20 होगा, मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जब भी आप सत्ता में रहे हो, चाहे वो CM रहे हो, आप PM रहे, कभी उड़ती है बात कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है, तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू है, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू है। अगर मैं कहूं कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है, अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप्ट कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज़ अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें की समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा, ये जो सोच है ये टोटली अनडेमोक्रेटिक सोच है, और उसी में से कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि ये रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, बॉयकॉट, वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है, जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे, तो इंस्टीट्यूशन तो मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा, तो इंस्टीट्यूशन निकम्मी। ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या, उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसे शक्तियाँ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दीजिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। और मैं पक्का मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जब देश समझेगा कि भाई ये 2200 करोड़ रुपयों के ढेर टीवी के सामने दिख रहे हैं पहाड़ नोटों के, तो लोग देखें यार कोई तो सिस्टम होगी जिसने पकड़ा होगा, तो पता चलता है अच्छा वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो संस्था है, तो उसके भी जैसे सेना के प्रति आज एक सम्मान का भाव है, वैसा ही सम्मान का भाव जो देश के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है उनके पास होना चाहिए, तो वो भी मेरा एक मिशन है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उनकी अपनी बुराइयां होती है वो भी कम होती है, उनके भीतर कभी कभी बुराइयां जो आती हैं आप मान सम्मान और तो उसको लगता है जीवन में बहुत मिल गया जी, वो बुराइयों से बचता है, तो वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरीका होता है। तीसरी बात है कि लोगों को तो ये लगेगा ठीक है सरकार ने पैसे ले लिए हमारा क्या, तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और इसलिए जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है, ये वाम वहाँ जो पार्टी है उसका है, इन्होंने क्या किया, ये लेफ्टिस्टों के लिए बाहर छवि ऐसी है कि दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है, गरीबों के पैसे हैं, मिडिल क्लास के पैसे हैं, सैलरी वाले सोसाइटी उसके पैसे हैं,
और बच्चों की भलाई के लिए बेचारों ने पैसे बैंक में रखे हैं, ये बैंक डूब गए। क्यों डूबी? तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो ये बैंक डूब गई, या उसमें से चोरी की तो बैंक साइफन कर गए पैसे। अब हमने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा यह है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा, जो पैसा आएगा, जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है उसका तो नाम है, उसको मैं वापस करूंगा। अब जैसे लालू जी ने, इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इसकी जमीन, ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3,000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहाँ रेट कार्ड है हर नौकरी के लिए, ये टीचर बनना है तो, ये पीएन बनना है तो, हाँ आंगनबाड़ी वर्कर, ये पैसे रेट कार्ड है, कट मनी, और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े हैं। मैं खोज रहा हूँ कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहाँ से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला था इधर को दिया था, तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, मैं ये पैसे उसको वापस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूँ न खाने देता हूँ, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। मोदी जी, क्योंकि मैं लंबा समय बंगाल में रही हूँ तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है, आप बंगाल में क्या बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, आपके लिए भी मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं, कभी आपको बहुत स्नेह से वो आम भी बेचती है, टॉक मिष्टी कहते हैं हमारे बंगाल में, मतलब खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता है, आपको लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए? जिस तरह के अट्रोसिटीज हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, हमने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह का वायलेंस देखा, आपको लगता है शी इज लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ द स्टेट? ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पर इतना कंट्रोल है लेकिन गलत दिशा में है, वे शासन पर कंट्रोल है नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है, वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है, उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिस्ट्री दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। अब बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इस इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 MLA थे, लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए और खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय, अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए भाई, बड़ा विजय था हमारा, लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए। आज हमारे MP बंगाल में और बड़े शान से काम कर रहे जी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है, और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते, अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे,
बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट, वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूँ उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो, कम से कम हाईकोर्ट ने शराब घोटा के लेके मारे में जो कहा और बहुत बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था, उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरे बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था, ये स्थिति थी। यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में, आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो, ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है, मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में, अखबारों में भी, मैं जो मेरा तो पहले के जमाने में दो दो पेज स्टोरी कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का, मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स सोबराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं, वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। मुझे जी कोई भी लीडर है जो प्रधानमंत्री दो बार रह लें, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। इस देश में तीन बार सिर्फ नेहरू जी चुनाव जीत पाए, बट आपके खिलाफ ग्राउंड पे जब हम जाएं तो लोग भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो 272 जब पार हुआ 2014 में तो लोगों ने कहा मोदी जी की आंधी है देश में, अगर अब 370 पार हो रहा है तो ये क्या है? आपको लगता है आपकी लोकप्रियता भी चरम पर है, और ये प्यार क्यों है लोगों का? मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता हूं, और नहीं मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूं उसका एनालिसिस होना चाहिए, मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है। आमतौर पर जो सरकारें चलती थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दो, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है, और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस का पतन बहुत कम समय में हुआ था जी, देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी थी।
संयुक्त विधायक दल बनाया, लेकिन कांग्रेस ने इस देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया। उन्होंने खुद के देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए सरकारों के अलग अलग मॉडल अब देश के सामने आ चुके हैं, और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। कोई यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा है, जो ऑफ द फैमिली बाय द फैमिली फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है उनका मॉडल भी देखा है, दो देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है, और बीजेपी सरकार का भी मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी रही, किसने किसके लिए काम किया। एक 100-200 पैरामीटर तो आप देखेंगे द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा आपको। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य मानव का विश्वास बढ़ता है। फिर एंटी इनकमबेंसी किस बात की होती है कि एक ऐसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ। हरे का होता नहीं है, प्रो इनकमबेंसी में कोई हरे का हो गया ऐसा नहीं होता। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूँ कि आप लोग चुनाव में जो करते हो करते रहना, लेकिन मेरा एक काम करना। और कहता हूँ मैं कि कहीं आप जाए झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है ऐसा मिले, या कोई कच्चे घर में रहता है उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म है, मैं उनको मकान देना चाहता हूँ, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूँ। आप अगर कोई नज़र में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो मेरा तो ध्यान है उन 3 करोड़ घर बना के दे रहा है। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जब करते हैं, और मेरी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान के सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, वो है लास्ट मिनट डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया, कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, कुछ मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो उनको पता नहीं था मैंने क्यों बुलाया, बिठाया सबको, फिर मैंने सबको एक पैर दिया लिखने के लिए, गए वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने कि उनको दिया। मैंने कहा मुझे आप बताइए कि एक वीडियो है गांव में रहती है अनपढ़ है, तो सरकार की ये स्कीम है उसकी वो हकदार है, उसको ये प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना, कहाँ जाना, मुझे आपकी मैंने डायरी दी इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो, सरप्राइज सबके सब फेल हो गए। फिर मैंने कहा, मैं कुछ वो नहीं, बड़े प्यार से बात करता था, मैंने कहा मुझे बताइए भाई आप IAS अफसर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं है कि एक वीडियो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है अप्लाई का। मैंने कहा बताइए हमने ऐसी व्यवस्था बनाई उस वीडियो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है यार कुछ तो कमी है, और फिर वो करेक्ट करते थे। तो मैं मेरे दिल में ये रहता है कि भाई मैं योजना बना दूँ, वाहवाही करूँ, एक एडिटोरियल छप जाए, ठीक है मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन आम आदमी मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है। दूसरे जैसे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में तो सरकार ने क्या करना था, लेकिन मैं झाड़ू लेकर के घूमता था। छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है, इस
चीज को छोटी मत मानिए जी। आज के युग की बहुत बड़ी घटना है, इसी के लिए आप लोगों का शब्द है पुरोहित मन से, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश देखता है जी, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, उसको सब समझ होती है। तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही बेनिफिट मिला है। सर इसमें थोड़ा सा मेरा रीजनल एस्पिरेशन जाग रहा है, मैं बिहारी हूँ और सर आपने जितना बिहार की जनता को आप पर भरोसा है, बिहार में जब बाढ़ आई थी आपने नाव भेजे थे, रसद भेजी, बम फट रहे थे, आप गांधी मैदान में वहाँ पर खड़े थे, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे सर। आपके रोड शो में मैंने पिछले हफ्ते देखा पटना में, ऐसी अद्भुत भीड़ मैंने तो, मुझे लगता है जेपी मरे थे 77 में, मैं छोटा था, गांधी मैदान भी उतना नहीं भरा था जितनी भीड़ उस दिन आ गई थी। तो एक भरोसा है जनता को वहाँ पर, लेकिन बिहार लगातार पिछड़ा जा रहा है। हम जैसे बिहारियों की सबसे बड़ी चिंता है कि वापस जाने की सोच भी नहीं पाते, अपने घर जाने का, गाँव जाने का। क्या है आपके पिटारे में, क्या आश्वासन है बिहार की जनता के लिए, मोदी भरोसा क्या है वहाँ के? मैं बताता हूँ जी, देखिए अब बिहार छोड़ दीजिए, मेरा 2013 का भाषण है, 2013 का, तब मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नहीं था, मैं मेरी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का चीफ था और दिल्ली में ही मेरा एक भाषण था। उसमें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए हमें भारत के पूर्वी भारत को डेवलप करना होगा, और पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको पश्चिम के बराबरी में लाना। पश्चिम मतलब गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पूरा। और अब देखिए हिंदुस्तान को दो हिस्से दिखेंगे आपको, राइट साइड का जो हमारा पूर्वी भारत है वो समृद्ध भारत है, सारी हमारी खनिज संपदाएं हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी सारी वही है, पानी तो वहाँ, ह्यूमन रिसोर्स तो वहाँ, कोयला तो वहाँ, आयरन ओर तो वहाँ, सब कुछ वहाँ है। वहाँ गरीबी है, और यहाँ पर अब जैसे गुजरात, उसके पास नमक के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ एक भी डायमंड नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी गुजराती का हाथ लगा हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों? तो मेरा 13 का भाषण है कि हमने पूर्वी भारत को डेवलप करना चाहिए, और आपने देखा होगा जो हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, आपने देखा ब्रिज के काम लंबे अरसे से अटके हुए थे, इंडस्ट्री के लिए का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसकी चिंता करना, यानी ऐसे हर विषय पर बल देना। हमने गैस पाइपलाइन का काम किया है, ये गेम चेंजर बनेगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सस्ता फ्यूल मिलेगा, वो जाएंगे, वहाँ के एग्रीकल्चर को भी हम मोड़ सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ देंगे। आज देखिए जी, बिहार का युवा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मिलेगा आपको, किसी भी फील्ड में जाइए आपको ऐसे हाथ लगाओ तो 2 बिहारी बच्चे मिल जाएंगे, और वो ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है, सामर्थ्यवान लोग है। मेरे राज्य में अगर मैं गुजरात का देखो, IAS IPS कैडर में किसी एक राज्य के सबसे ज़्यादा कहाँ थे तो बिहार के थे। इसका मतलब परमात्मा ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है, और किसी जमाने में तो विश्व का नेतृत्व तो उस भूमि में से हुआ है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं। हम इसलिए मैं झारखंड हो, पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, इस पर हमारा पूरा बल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दो, वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यूएशन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, ये सारे रास्ते, और जो मैं ऑलरेडी कर रहा इसके कारण बहुत ही फायदा होगा। मेरा एक सवाल थोड़ा सा हटके है, प्रधानमंत्री जी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, पर बहुत मेटिकुलस होता है आपका काम। हमने कई बार जो स्टोरीज के वहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि आप इस तरह से किस तरह से काम करते हैं, जैसे अभी कभी आपने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो उसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा या देवी शक्ति रखा, क्या सोचते हैं आप? नाम एवरीथिंग, नेम इज ऑल्सो बहुत पर्टिकुलर होता है आपके। इसमें मेरे 2 अनुभव है जी। मैं जब गुजरात में था तो NCC के एक चीफ आए, वो तो रिटायर्ड अफसर होते हैं, वो मुझे मिलने आए, तो सारा फॉर्मल जो उनका ऑफिशियल था पूरा, बोले फिर साहब अगर आप समझ दें तो मुझे पर्सनल बात करनी है।
मेरी ड्यूटी के सिवा है? नहीं, मैं कहा जरूर आप आए बात कीजिए। बोले मेरी पत्नी का एक आपको मैसेज है। मैंने कहा क्या? बोले मेरी पत्नी पूछती है कि मोदी जी सारी योजनाओं के नाम संस्कृत में क्यों रखते हैं? कोई सरल नाम रखे? ये तो मुझे सवाल पूछा था। हमारे देश में क्या हुआ है जी, हर चीज का उसको सुनते ही ध्यान में आना चाहिए इसके लिए है, उसके साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने कोई अलेक्जेंडर नाम रख लिया तो पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे अरे क्या रखा है। लेकिन आपने अमन रख लिया तो लगा अरे यार ये तो अपना बच्चा है। हर चीज में एक अपनापन होता है जी। हमारे देश में ऐसा क्या कमी है मुझे बताइए? हम सहज से लोगों को, अब जैसे जनधन, मैंने जनधन योजना बनाई, वैसे मैं इसको उसको मैं कंपटीशन करता हूँ। मैंने स्कीम रख करके लोगों के आइडियाज मांगे थे, जैसे स्वच्छता का जो गांधी के चश्मे है वो लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं। लेकिन मैं जन सामान्य को जोड़ता हूँ तो उनकी तरफ से मुझे नाम मिलते हैं। अब जनधन योजना एकदम से गरीब को लगता है सामान्य मानवी का धन। अब जैसे मैंने स्वामित्व योजना बनाई है जो मैं ड्रोन से गांव में उनकी संपत्ति का सर्वे करके उनको सर्टिफिकेट देता हूँ। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई मेरी जमीन के रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं गांव से बाहर जाता हूँ तो कोई कब्जा कर लेता है, हम कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं। तो मैंने जब दिया स्वामित्व तो उसको स्वामित्व का समझ उसको बराबर है कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है, उसको पूरी समझ है, तो एकदम से उसके साथ एडिट में हमने UPI किया। UPI सुनते किसी को एक था लगता है कि ये यार क्या है, तो पूरा नाम है भीम UPI। मैंने भीम रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भीम है जी। और ये सबसे बड़ी करेंसी है जी, 21वीं सदी की मेरी सबसे बड़ी करेंसी भीम है। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाता है, अच्छा ये तो हमारा है जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमने योजनाएं उसी प्रकार से, मैं ये ऑपरेशन करता था, ऑपरेशन ऐसे नाम रहते थे जी। अब मैंने कावेरी रखा था, क्यों? तो ज्यादातर उस इलाके के लोगों को अफेक्टेड थे, उनको मुझे लाना था तो मेरे लिए वो सूट करता था कावेरी। मैंने चंद्रयान के लिए शिव शक्ति रखा तो मेरे मन में था कि भाई पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ कोई नाम क्या है, तो ये है। तो मैं बड़ी सरलता से लोगों को रखता हूँ। इसमें एक तो मेरा अपने पास जो मेरा सॉफ्टवेयर ईश्वर ने दिया हुआ है वो जो प्रोसेस करके निकालता है वो भी ऐसी ही चीजें निकालता है, और मैं जो क्राउड सोर्सिंग करता हूँ उसमें से मुझे ज्यादातर वैसी चीजें तुरंत मैं उसको लपक लेता हूँ। एक इसका उदाहरण सर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ। ऑपरेशन गंगा नाम रखा था आपने, तो मैं पोलैंड में था, यूक्रेन से जिन लोगों को बचाया गया एक कपल जो था उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो जब उन्होंने बोला कि जब ये बेटी जो पैदा हो रही है तो मैं इस बेटी का नाम गंगा रखूंगा, तो वो मुझे अभी याद आया। लेकिन मैं सवाल दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर पूछूंगा कि पूरे चुनाव प्रचार में समाज में वोट के लिए दरार पैदा करने की कोशिश की गई कैसे? मैं अब जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने बोला कि मैं जब से पैदा हुआ हूं सिस्टम को मैं समझता हूं, किसको अटैक करना है, किसको टारगेट करना है, मैं ही सिस्टम हूं, और सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। मुझे जो आपत्ति व्यक्तिगत तौर पर लगी, उन्होंने इस बार जुडिशियरी और मिलिट्री को भी नहीं छोड़ा, वो भी लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। ये बयान जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है सर? मैंने जितना इस विषय में सोशल मीडिया में मेरी नजर गई है, ये उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने अपने फैमिली का रिपोर्ट कार्ड रखा है ये, क्योंकि उनका ही परिवार 60 साल तक देश में सरकार चलाई है, तो ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो अपने फैमिली के सोच विचार आचार उसी की बात दुनिया को बता रहे हैं वो। तो एक प्रकार से तो अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने दुनिया को बता दिया भाई हम ऐसे लोग हैं
तो आप बच के रहो। दूसरा विषय है जी, मैं देखता हूं देश में राजनीति करने के कुछ सरल रास्ते जो लोगों ने खोजे हैं और जिसमें इंडी अलायंस के करीब करीब सभी पार्टियां फंसी हुई हैं या उनको वो सूट करता है, तीन चीजें प्रमुख रूप से उभर करके आती हैं। एक, ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं, सेक्युलरिज्म का चोला पहना है उन्होंने, बुरखा पहना है, लेकिन वो कम्युनल ही है। वे उनके लिए हर चीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कम्युनल फ्रेम में ही आता है उनको, उसके बारे में उनको कुछ आता ही नहीं। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, वो एक घोर परिवारवादी है। ये तीन चीजें, ये सभी कुनबे जो इकट्ठे हुए हैं, इनके कॉमन है। उसमें कोई आप, मैं कहता हूं उसको टिक मार करके देख लीजिए, आपको मिलेगा ऐसे ही है। और समस्या की जड़ यही है, और इसलिए ये आज नहीं पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा है, और जब चाहे वो बदला है उन्होंने। आपको इंदिरा गांधी का भाषण मिलेगा, जो उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बहुत लंबे भाषण किए हैं, और उन्हीं के परिवार के लोग जातिवाद के ऊपर लंबे लंबे भाषण देते सुनाई दे रहे। मतलब कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो मर्जी पड़े, जब चाहे वो कुछ भी बोलो और भाग जाओ, दुनिया को गुमराह करो, ले लो। तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो सिद्धांतों को, आदर्शों पर, विचारों पर चलता है, उसको जरा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, और जिसको मेरा विरोध करना है उसके लिए भी सरल हो जाता है। ये तो बड़ा आइडियल है, क्या करके उसको कुछ भी विरोध करना बड़ा सरल हो जाता है जी। राहुल गांधी से जुड़ा सर मैं एक और सवाल पूछूंगा कि ये बात देश में बहुत है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, मोदी जी के खिलाफ ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पाया। इसका एक बड़ा कारण ये भी कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं, जो कैंपेन लीड कर रहे हैं, एक तरह से राहुल गांधी हैं, दो दशक से ज़्यादा राजनीति में हैं, पर एक कुछ लोगों का कहना कि वो मैच्योर उतना नहीं हो पाए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं शायद राहुल गांधी सबसे बड़ा एक एसेट है बीजेपी का, क्योंकि वो ऐसी अब बयान देते हैं कि आपको उससे और एम्यूनिशन मिलता है कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए। आपको लगता है राहुल गांधी की जो ये कमी है उसका फायदा? मैंने अभी तक आपके एक भी प्रश्न का जवाब किसी व्यक्ति के संदर्भ में नहीं दिया है। आपने व्यक्तियों का नाम लिया है, मैं उससे परे होकर के बात करूंगा, और मुझे वो अब मेरी मर्यादाओं का पता है, तो मैं किसी के नाम का अपने उल्लेख किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जनरल वे में आपको जवाब दूंगा। लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बहुत ही मजबूत विपक्ष हो, बहुत ही सजग विपक्ष हो, और सरकार को तलवार की नोक पर चलने के लिए मजबूर करे ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए। और मुझे इस देश में टैलेंट की कमी नहीं लगती है, इस देश में भरपूर टैलेंट है, उनको अवसर दिया जाए। मुझे लगता था कि 2014 से 2024 एक अच्छा विपक्ष मुझे मिलता। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अब अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल ही नहीं रहा है। मैं तो सोच रहा था इन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई है तो मुझे सरकार चलाने में सुविधा होगी, मैं जाते आते पूछ लूँगा बेचारा से, बताइए क्या करना है क्या नहीं। प्रणब मुखर्जी साहब थे तब तक मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था, वो अपने अनुभव मुझसे शेयर करते थे, लेकिन बाकी मुझे वो बेनिफिट मिला ही नहीं। तो मुझे खुद को ही, मेरी पार्टी के जो अनुभवी लोग थे उनसे जो मदद मिली, उन्हीं से मुझे अपनी दुनिया खड़ी करनी पड़ी। मुझे गुजरात का बड़ा मेरा अनुभव था, वो मेरे काम आया। विपक्ष किसी भी प्रकार से काम नहीं आया, और नकारात्मकता इतनी कि देश हित के अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कभी उनकी खुद की पार्टी के मैनिफेस्टो में है, वही आज उनको पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए उसे उल्टा करना, ये चीज मैं समझता हूं कि चिंताजनक है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में
मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सक्रिय विपक्ष होना चाहिए और बहुत ही वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म विपक्ष होना चाहिए। इसका लाभ होता है जी। मैं गुजरात में था सीएम, मेरे यहाँ विपक्ष में जो लोग थे लेकिन सभी आज सीएम वगैरह बैठते थे तो उसका एक दबदबा रहता था जी और उसका लाभ होता था। हाउस में ट्रेजरी बेंच के लोग भी इधर उधर होते नहीं थे जी, उसका बेनिफिट होता था। अभी तो हालत ऐसी नहीं है जी, मेरे मेरे दिल में एक दर्द है ये। प्रधानमंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है कि आपने, मुझे लगता है कि 150-200 रैलियां रोड शो कर चुके हैं अभी तक पिछले 2 महीनों में, लेकिन उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि बदजुबानी विपक्ष की बढ़ी हुई है, उससे ज़्यादा आपके खिलाफ गालियाँ पड़ रही हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है माता पिता तक लोग सवाल मतलब बदजुबानी कर चुके हैं, गालियाँ दे रहे हैं। और पहली बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसा चुनाव आया है 2002 का, जब से आप चुनावी राजनीति में आए, कि पहली बार माँ के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि हर बार आप वोट करने जाते थे और माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, हम लोगों ने गांधीनगर में हमेशा देखा, तो ये मिस कर रहे थे आप। और दूसरा, ये बदजुबानी कैसे लेते हैं आप? मैं दो चीज़ों को अलग करके देखता हूँ। ये कहना कि मुझे अभी भी गालियाँ पड़ रही है वो सही नहीं है। शायद मेरे जन्म से पहले से गालियाँ मेरे लिए तैयार रही है। और 2001 में जब मुझे मुख्यमंत्री का काम मिला तब मुझे शायद कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें मुझे गाली ना पड़ी हो और बिना कारण मेरे बाल नोच लिए हो। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, ये खान मार्केट गैंग पूरी, ये आपके मीडिया में जो महारथी कहे जाते वो भी, आप पुराने अगर अंक निकालेंगे मैगजीन बड़े बड़े नोन तो उसके फ्रंट पेज पे जो कवर स्टोरी है तो किसी राक्षस को भी अच्छे से पेंट किया हो, उससे भी बद्दी तस्वीरें मेरी है। लेकिन मैं अपना आपा खोया नहीं, मैंने कभी नहीं खोया, क्योंकि उन्हीं की मजबूरी है कि उनको आज हंसता हुआ चेहरा रखना पड़ रहा है। और उनको एक साल में अगर 24 अंक निकलते हैं तो 12-15 में तो माल बेचने के लिए मोदी की जरूरत पड़ती है जी। तो मैं अपने कर्तव्य से लेके चलता हूँ। अच्छा होगा कि लोकतंत्र में, सार्वजनिक में शुचिता का पालन हो, मर्यादाओं का पालन हो, आलोचना हो, लेकिन अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छे ढंग से भी हो सकती है। ऐसा नहीं हमसे भी कोई गलती नहीं हुई होगी जी, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हम सब ने सोचना चाहिए। मैं किसी को उपदेश दूँ इसका क्या मतलब है? मोदी ने खुद ने भी कभी गलती की होगी, मोदी के साथियों ने भी गलती की होगी, लेकिन भारत में ये स्थिति ठीक नहीं है जो हो रहा है, ठीक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेंगे, तो जो हमारे जो खेल प्रेमी युवा है सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम बिडिंग करेंगे, सर उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा है वो जानना चाहते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिसने G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ अब भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता है इन चीजों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था यार कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास नहीं हम भी कर सकते। G20 का दूसरा फायदा यह हुआ कि देश के 60-70 अलग अलग स्थानों पर G20 उतने ही शान से हुई, तो देश के हर कोने में विश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली में करते तो लगता है एक सरकारी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पीपल्स ड्रिवन G20 हुई। इससे कारण एक विश्वास बनता है कि ये देश कितने ही बड़ी चीजों को कर सकता है। और आज के युग में मेरा मानना है कि भारत है, जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया, तो उसके पीछे मेरे मन में है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, धनी लोग खर्चा करते हैं या रहते हैं। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए। और मैं आजकल छोटे मोटे, अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक मैं चाहता हूँ कि देखो इसको, चेस का वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ, आपने बीच ओलंपिक्स का भी जिक्र किया, बीच ओलंपिक
बल्कि हाँ ले आओ 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है कि भाई जितने भी ओलंपिक होंगे उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहाँ जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के। और उससे भी आगे मैं बताता हूँ, मैं अटलांटा में ओलंपिक देखने गया था यूएसए में। मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूँ लेकिन व्यवस्थाओं को सीखना समझना मेरी रुचि है। तो मैं जाकर के देखा कि भाई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मेरी प्रिय कुछ गेम में देखने जाता रह जाए भारत के लोग खेल रहे तो, लेकिन पूरा समय मैं देखता था। तो मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने क्या किया था। और मैं कभी कभी बता मैनेजमेंट मेरी रुचि है, चीज़ें सीखने का मेरा शौक है। 200-250 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कितने दूर होते 200-250 किलोमीटर उसको पार करनी होगी अपनी गाड़ी ओलंपिक स्टेडियम से 200-250 किलोमीटर मतलब एक कार का, वहाँ बस होगी तो कार खाली करो बस में बैठ जाओ। उसको जो गेम में जाना है उसका कलर, उस गाड़ी का कलर सब सेम रहता था। तो उसको पता है कि मुझे अगर हॉकी में जाना है तो मुझे इस कलर वाली बस में बैठना है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में बैठता है। फिर वो बस एक मेट्रो स्टेशन पर जाती थी तो बस के लोग सब मेट्रो में उस कलर वाले डिब्बे में बैठ जाते थे, अथवा वो कलर वाली जब मेट्रो आती तो बैठते थे। वो सीधी उस स्टेडियम के पास जाती थी, मतलब कार 60 कार में से एक बस हो गई, एक बस में से 60-100 बस में से एक मेट्रो हो गई। इन्होंने 1-2 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया, ऐसी चीज़ें मैं उस समय स्टडी करता था। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज़ स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी आवश्यकताएं क्या होती उसको समझना, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना, क्योंकि खेल मेरे यहाँ है गोल्ड मेडल कोई और ले जाए ऐसा तो नहीं होता। सर हम में से किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने मेडल आएंगे ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, जिस तरह से आए पिछले। देखिए भारत के युद्ध में तो दम था ही था, भारत के युद्ध में तो दम था ही था, लेकिन पहले सिलेक्शन में भी संप्रदायवाद, परिवारवाद, जातिवाद हर चीज में था। वो सिलेक्शन उसके आधार पर होता था, मेरे परिवार का बच्चा है खेले ना खेले यार जाए तो सही, यही होता था। अब खिलाड़ी है तो जिस खेल में उसकी योग्यता है सिस्टम उसको सिलेक्ट करती है, वो मेडल लेके आ जाता है। जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो परिणाम भी आता है। सर आखिरी सवाल पंजाब पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 3 रैली भी पंजाब में पिछले 2 दिन में किए, मैं भी पंजाब में था। पंजाब एक स्टेट है जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहाँ किसान प्रोटेस्ट भी कई जगह पे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पंजाब की सिचुएशन के, आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहाँ पे, जो फार्मर्स कुछ लगता है शायद नाराज हैं? पहली बात है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है, ये स्वर्णिम काल है। वहाँ जो सरकार है वो पूरी तरह विफल गई है और पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उनको दिल्ली से रिमोट से कोई सरकार चलाए इसको पंजाब का अपमान मानते हैं और ये इनके जहन में है। और सबसे ज़्यादा तब हुआ कि एक मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए गाइडेंस लेने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जाए, तो ये पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे तो फिर पंजाब की क्या है? इसका गुस्सा है, ये चुनाव में बाहर आने वाला है। और उनको लगता है भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख समाज के लिए भी इतना काम किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या मैंने एक प्रकार से किसानों की भलाई के काम की बात हो, किसानों की इरिगेशन की चिंता हो, MSP बढ़ाने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्थाओं की बात करनी हो, यूरिया दुनिया भर में 3,000 रुपये हो गया हम 300 में दे रहे हैं, तो एक प्रकार से अनगिनत मैंने काम की है उसका उनके लाभ भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि बेनिफिट है। और खास इवन जो मैंने जो मिलेट का किया है ना जी, वो भाग्य किसानों को छूता है,
उनको लगता है यार हमारा मिलेट अब दुनिया में कहेगा, उसको गर्व हो रहा है, उसको आनंद हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका परिणाम मिलने वाला। और खासकर पंजाब को लेकर जो करतारपुर का जिक्र आपने रैली में, वो भी एक चर्चा का विषय है कि क्या हमने 71 में वो मौका गवाया, करतारपुर भारत में हो सकता था, वो मौका क्या हमने गवाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, आपने समय निकाला और सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।